बिहार में सियासी हलचल के बीच में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास 5 देश रत्न मार्ग पे और यहाँ चहलकदमी शुरू हो गई है और बैठक शुरू हो गई है। तमाम जो राजद के जो विधायक हैं वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुँच चुके हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद मौजूद हैं इस बैठक में और एक बड़ा निर्णय लेने के ओर अग्रसर है सभी पार्टियाँ। राजद के बैठक के बाद कुछ देर के बाद 4 बजे भाजपा की बैठक आहूत की गई है और उसके पहले तेजस्वी यादव के आवास के बाहर की गहमागहमी आपको दिखा देते हैं। देखिए किस तरह मीडिया कर्मियों का हुजूम जो है देखने को मिल रहा है तेजस्वी यादव के आवास के बाहर, और लगातार जिस तरह के सियासी बदलाव के संकेत जो बिहार में मिल रहे हैं उसके बाद बैठकों का दौर जारी हो गया है। आज 2 बैठकें हैं, आज जेडीयू की भाजपा की ओर से भी बैठक बुलाई गई है। इसके बाद जेडीयू की ओर से भी बैठक बुलाने के लिए 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और लगातार जो है विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सर आज बैठक में आए हैं, सर क्या ठीक है मुद्दे पे बैठक? अच्छा ठीक, बैठक में क्या बात होगी? हालांकि जो भी विधायक है साफ तौर पे कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। अभी स्पष्ट रूप से कोई विधायक कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन सांकेतिक जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो गया है कि कोई बड़ा बदलाव बिहार में देखने को मिल सकता है। और लगातार 2 दिन से बिहार के मीडिया में, देश के मीडिया में ये खबरें छाई हुई हैं कि एक बड़े बदलाव की ओर बिहार की राजनीति जा सकती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से एक बार पाला बदल सकते हैं और NDA में जा सकते हैं। तो लगातार जो है जो भी बड़े राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनके जो कार्यालय हैं, उनके जो घर हैं, उनके बाहर जो है गहमागहमी देखने को मिल रही है। और इसके बाद आपको कुछ देर के बाद जो है भाजपा की बैठक बुलाई गई है। 4 बजे से भाजपा विधायक दलों की बैठक है और अभी राजद की बैठक चल रही है और तमाम जो विधायक हैं पहुंचने शुरू हो गए हैं। और अभी विधायकों का स्पष्ट रूप से कुछ कहने से इनकार है, लेकिन आपको दिखाते हैं देखिए किस तरह तमाम विधायक जो हैं ये 5 देश रत्न मार्ग में मौजूदगी के लिए आ गए हैं और बैठक जो है शुरू है। अब बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जा सकता है, क्या किस मुद्दे पे बात होगी, यह बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगी। हमारी नज़रें जो हैं पूरी तरह बनी हुई हैं इस बैठक पे और हम लगातार नज़रें बनाए हुए हैं। आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब के CTV के लिए, पटना से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।